तो हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो आज भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई जॉब के लिए भटक रहे हैं, जॉब की तलाश में है, कहीं ना कहीं जो है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं SIS सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूँ। और आप लोग कहीं पर जॉब के लिए तलाश में, अगर आप लोगों का भाई हाइट है, तो आप लोग मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सिक्योरिटी ही ज्वाइन करिए। क्योंकि हेल्पर में ज्वाइन करते हैं तो भाई वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ज़्यादा कुछ सुनना पड़ता है। कंपनी का चार्ज सुनिए अलग, मैनेजर सुनिए अलग, लाइन लीडर सुनिए अलग, मतलब ज़्यादा सुनना पड़ता है। सिक्योरिटी में सुनना सब प्राइवेट में कहीं जॉब करते हैं सुनना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी में थोड़ा कम सुनना पड़ेगा। तो आप लोग अगर सिक्योरिटी कहीं चाहते हैं कि हम सिक्योरिटी ज्वाइन करें, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल SIS मुझे अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा क्योंकि कुछ भाई कमेंट किए थे SIS के बारे में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग विजिट करिएगा तो SIS का कुछ रिव्यू भी मिल जाएगा। कुछ भाई का मैं रिव्यू भी लिया हूँ जो जॉब कर रहे हैं, और रूम का भी वीडियो मैं बना दिया हूँ। इससे पहले भी मैं कई मतलब SIS के वैकेंसी के ऊपर वीडियो में बनाया हूँ, आज फिर से बना रहा हूँ। पहले इसलिए आप लोगों को बता दिया क्योंकि उस कॉम पे जाते हैं, अगर आप लोग जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को एक दो वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि मैं कुछ भाई का रिव्यू लिया था, वो वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अगर SIS बेंगलोर में ज्वाइन करते हैं तो रूम जैसा मिलेगा, रूम का भी वीडियो मैं ब्लॉग बना के दिखा दिया हूँ आप लोगों को सिक्योरिटी की तरफ से क्या रूम मिलता है। तो वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसका कमेंट भी पढ़ सकते हैं। कुछ भाई जो है कुछ गलत कमेंट भी किए हैं कि कभी मत करना SIS ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे जो 10,000 फ्रॉड कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है भाई। मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को SIS का वैकेंसी, SIS का जो है कितना से लगता है, पहले ट्रेनिंग, उस पर जो भी है, मैं सब ऑल डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा जो है वीडियो जरूर देख, कहीं स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिलहाल इसलिए मैं चलता हूँ SIS सिक्योरिटी पे। SIS आप इंडिया में कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इंडिया जो है इसका ऑफिस है। ऑल इंडिया का ऑल वर्ल्ड, मतलब ऑल वर्ल्ड तो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ वर्ल्ड में जो है अदर कंट्री में जो है, जैसे अमेरिका भी हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ सब जो है हमारी सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी का जॉब मतलब कर रहे हैं या SIS का ऑफिस है। तो यहाँ भी जाके भाई अभी तो फिलहाल नहीं होगा, आप लोग पहले इंडिया में कर लीजिए, उसके बाद ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आगे के लिए है। अभी अब फिलहाल आप लोगों को जॉब अगर कहीं का तलाश कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा SIS भाई लगभग पूरा इंडिया मिल जाएगा। तो SIS का ज्वाइन करिए, जैसे भी पटना मेट्रो में भी आप लोग जो SIS ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो मेरा मकसद है बेंगलोर के लिए, मैं बेंगलोर में चर्चा कर रहा हूँ। बेंगलोर अगर फिलहाल आप लोग बेंगलोर में हैं या बेंगलोर आने का सोच रहे हैं, SIS ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो बेंगलोर में लगभग 8 से 10 ऑफिस मिल जाएगा SIS का। तो फिलहाल जहाँ तक मुझे भी पता है, तो 2 ऑफिस मैं विजिट भी किया हूँ बेंगलोर में। एक जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो ऑफिस है वो, और व्हाइट फील्ड में जो ऑफिस है वो, 2 ऑफिस मैं SIS का ऑफिस विजिट किया हूँ। अब फिलहाल सर्च आप मारिएगा तो 8 से 9 वेयर हाउस आएगा, मतलब 8 से, सॉरी दोस्त, वेयर हाउस का मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ इसलिए वेयर हाउस आ गया, SIS का ऑफिस आएगा। तो आप लोग मैं यही सजेस्ट करूँगा, मतलब व्हाइट फील्ड के नाम से आएगा, व्हाइट फील्ड भी आप विजिट कर सकते हैं। एक जो है SIS आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी सर्च मारिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होसकूर गेट आएगा, वहाँ आप लोग विजिट कर सकते हैं, 2 में से कहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो है होसकूर गेट अगर आते हैं तो होसकूर गेट में अभी वैकेंसी चल रहा है, वेयर हाउस के लिए वैकेंसी चल रहा है। तो इसमें जो है SIS सिक्योरिटी फ्रेशर भी चलेगा, जो कहीं वर्क कहीं पर कोई भी कंपनी में काम किए हैं उनका भी चलेगा। तो आप लोगों को हाइट कम से कम भाई 1.68 तक चाहिए, 1.68 तक अगर आप लोगों का हाइट है, 1.68 से ज़्यादा रहेगा चलेगा, 1.68 से अगर कम है तो नहीं चलेगा, मतलब 1.70 तक लगभग में चाहिए। 1.68 तक अभी हैं तो फिलहाल आ सकते हैं। वैसे जो है कभी 1.68 को नहीं लिया जाता, अभी फिलहाल वैकेंसी चल रहा है 1.68 के लिए, 1.68 का हाइट है तो अभी फिलहाल अभी वर्तमान में, नहीं तो 1.70 ही आप लोगों का हाइट, 1.70 सेंटीमीटर होगा तो आप आते हैं। वहीं वेट सिक्योरिटी गार्ड में माने तो 54 kg आप लोगों का वेट होना चाहिए, जो ऑफिस वो उसका ऑफिशियल जो लिंक है, ऑफिशियल जो डाटा है, 54 kg वेट चाहिए, 21 वर्ष एज चाहिए और कम से कम 1.70 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये तीनों आप लोगों को फिजिकल क्वालिफिकेशन भाई, शरीर का जो भी फिजिकल क्वालिफिकेशन हो, ये 3 चाहिए। और उसके बाद आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट जो भी हो ओरिजिनल चाहिए, जैसे आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड नहीं है चलेगा, मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, पासबुक ओरिजिनल चाहिए, उसके बाद SIS कार्ड, ये सब तो आप लोगों को ऑफिस में बन जाएगा। कम से कम ये 3, आधार कार्ड, एक फ़ोटो भी चाहिए, फोटो चाहिए, पासबुक चाहिए ओरिजिनल, और मैट्रिक का मार्कशीट, ये 3 आप लोगों को कम से कम आप लोगों को ओरिजिनल चाहिए। वैसे जो भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास है, कम से कम यहाँ SIS अगर ज्वाइन करने आते हैं तो ओरिजिनल ले के आइएगा। मैं जो भी वीडियो SIS के ऊपर बनाया हूँ सभी वीडियो में भूल दिया हूँ कि आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले के आइएगा। तो चलिए ये आप लोगों को ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो गया, आप लोग ज्वाइनिंग के लिए। अब चलिए आगे मैं चलता हूँ ट्रेनिंग के ऊपर और सैलरी के ऊपर। फिलहाल मैं सैलरी बता दे रहा हूँ, सैलरी आप लोग SIS ज्वाइन करते हैं सैलरी कितना है।
तो अभी फिलहाल बिहार में कहीं पे ज्वाइन करते हैं, सबसे ज़्यादा अभी मेट्रो में भाई 16,000 तक सैलरी आप लोगों को मेट्रो में, पटना मेट्रो में ज्वाइन करते हैं 16,000 सैलरी तक आ जाएगा। लेकिन पटना मेट्रो में आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग जल्दी नहीं होती, आप लोगों को अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, लेकिन फिलहाल अभी डायरेक्ट आप जाते हैं तो वहाँ पर जो 15 से 20 दिन आप लोगों को ऐसा इसमें ट्रेनिंग करवाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। अब फिलहाल अभी अगर पटना मेट्रो में ज़्यादा वैकेंसी अभी आप जाते हैं तो हो भी सकता है, लेकिन वही आप बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर में जो भी ऑफिस है, मैं आप लोगों को बताया ऐसा इसका 8 से 10 ऑफिस है, कहीं पर आप जाते हैं तो लगभग डायरेक्ट ज्वाइनिंग होता है। जैसे आप लोग एक दिन जाइएगा, फॉर्म दम भरिएगा, आप लोगों का फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, टोटल ऑनलाइन ले लिया जाएगा, उसके बाद जो है जो भी ऑनलाइन हो जाने के बाद आप लोगों को आईडी कार्ड जस्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद जो कंपनी में वैकेंसी है वो कंपनी आप लोगों को भेज दिया जाएगा, वहाँ कंपनी वाले जो सीनियर होंगे मतलब SIS के जो सीनियर होंगे वो आप लोगों को इंटरव्यू लेंगे और सिलेक्शन कर देंगे। मतलब फर्स्ट डे आप लोगों का बस घुमाएगा, कंपनी घुमाएगा, सेकेंड डे से आप लोगों का सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। वहीं आप लोग अगर पटना में जाते हैं तो भाई आप लोगों को SIS में ट्रेनिंग के लिए 15 दिन कम से कम वेट करना पड़ेगा, 15 दिन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और पटना भी है डायरेक्ट ज्वाइनिंग पटना भी कर सकते हैं, लेकिन बेंगलोर में खास करके आते हैं तो यहाँ पर लगभग में जो है ट्रेनिंग के लिए अगर बोलिएगा तो ट्रेनिंग के लिए आप लोगों को भेजेगा बस वहीं पटना बिहार मुजफ्फरपुर में जो ट्रेनिंग होता है वो वहाँ भेजेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को ज्वाइनिंग ही करवाएगा, 1 से 2 दिन में आप लोगों को ट्रेनिंग ज्वाइनिंग करवा देगा। तो फिलहाल सैलरी जो है भाई अलग अलग हिसाब से, सैलरी आप 12 घंटे करिएगा उनका सैलरी अलग बनेगा, 8 घंटे करिएगा उनका सैलरी अलग बनेगा। तो 8 घंटे का हाईएस्ट सैलरी आप लोगों को कोई भी कंपनी में जो है 20,000 तक हाईएस्ट सैलरी आप लोगों को बन जाएगा। OT नहीं करिएगा तो 8 घंटे 26 ड्यूटी करिएगा तो कहीं पे 16,000, कहीं पे 18,000, कहीं पे 20,000 तक सैलरी मिल जाता है बेंगलोर में। वहीं आप लोग अगर 12 घंटे करते हैं, 12 घंटे 26 ड्यूटी करते हैं तो आप लोगों का सैलरी 20,000 से प्लस बनेगा, मतलब 20,000, 22,000, 23,000, 25,000 तक सैलरी बन जाता है। वहीं पे कुछ कंपनी है कि आप लोग 12 घंटा करते हैं तो 16,000 सैलरी आता है, तो वो जो है आप लोगों को वहाँ पे वर्क थोड़ा इजी होगा। वहीं ऑनलाइन कहीं कंपनी में आपका अगर कहते हैं फील्ड ऑफिसर कह देते हैं कि सर मुझे पैसा की जरूरी है, अर्जेंट है, और आप जो है जहाँ सैलरी अच्छा हो अच्छा जगह मतलब ट्रांसफ़र करिए, तो आप लोगों को 23 से 24,000 तक सैलरी आप लोगों को रिसीव हो सकता है। और आप लोग OT करते हैं तो OT और ज़्यादा इंक्लूड हो जाएगा, OT कार्ड इंक्लूड हो जाएगा। तो जो भी भाई को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। जैसे बहुत भाई इस वीडियो पर मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कमेंट ज़्यादा करेंगे कि ऑफिस का लोकेशन, तो ऑफिस का लोकेशन भाई आप लोग आते हैं तो सबसे पहले जो बेंगलोर आइए, बेंगलोर क्या पटना जहाँ भी ज्वाइन करना है वहाँ पर SIS ऑफिस सर्च मारिएगा तो वहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस में अलग अलग मिल जाएंगे। कुछ भाई हो सकता है फ्रॉड ऑफिस भी जा सकते हैं, तो SIS में जो है वैसे आप लोगों को रुपया नहीं लिया जाएगा, पहले जो है डॉक्यूमेंट चेकअप चेक होगा, उसके बाद आप लोगों को फॉर्म फिलअप के लिए मतलब 250 रुपया लगभग हर जगह है, वो फॉर्म का रुपया लेगा। जो आप लोगों का स्क्रीन शॉट होगा तो मैं आप लोगों को जो है जो इसका जो भी इसका ओरिजिनल प्रूफ है वो आप लोगों को मैं स्क्रीन शॉट कम्युनिटी में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोग फील्ड ऑफिसर का नंबर चाहते हैं व्हाइट फील्ड का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का, तो आप लोगों को उसके लिए जो है आप लोग कम्युनिटी में जाइए, कम्युनिटी में आप लोगों को आयरन बटन परचेस करते हैं तो आप लोगों को फील्ड ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा। किसी का भाई पर्सनल डाटा मैं डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर इतना कॉल आएगा कि फिर मुझे जो है मतलब नंबर हटाने के लिए ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं वहीं जो है जाके कॉन्टैक्ट कर सके। चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं मिलता रहूँगा इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।